हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, उसकी नेम प्लेट के बारे में कि वो क्या होता है और उसमें कौन से पैरामीटर डिफाइन रहता है और उसका क्या मीनिंग रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सीटी की एक 220 kV सीटी की नेम प्लेट है। उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो उसमें इंडियन स्टैंडर्ड 2705 यूज़ किया हुआ है। HSV NSV, HSV का मतलब है हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज और NSV का मतलब है नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज। 245 kV 220 kV उसका इस सिटी का नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज है 220 kV और हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 245 kV। सिटी को आप 245 kV कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। इंसुलेशन लेवल 460 RMS और 1050 पीक। इसका मतलब है कि जब सिटी में 460 kV RMS जब अप्लाई होगा 1 मिनट के लिए, तो ये सिटी विस्टैंड कर लेगी और वैसे ही 1050 kV पीक इंजेक्ट होगा तो ये सिटी उसमें विस्टैंड कर जाएगी। ये इंसुलेशन लेवल जब लाइटिंग स्ट्रोक या कोई स्विचिंग होता है तब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इंसुलेशन क्लास ए, अलग अलग इंसुलेशन क्लास होता है, ABCEF। उसमें उसका पूरा वो स्टैंडर्ड में पूरा उसका दिया रहता है कि मतलब क्या रहता है वो। PF ड्रेस, उसका जो सेकेंडरी सिटी का सेकेंडरी है वो 5 kV तक विस्टेंड कर लेगा। या PF का मतलब है पावर फ्रीक्वेंसी, मतलब 50 हर्ट्स। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, डेड टैंक कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिटी के दो टाइप्स होते हैं, लाइव टैंक और डेड टैंक। उसके बारे में किसी और दिन मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या होता है और उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या रहते हैं दोनों के। टाइप ऑफ कूलिंग, ऑयल कूल्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसमें उसके रेजिस्टेंस के वजह से उसमें हीट जनरेट होती है, तो उसमें कूलिंग के लिए ऑयल यूज़ किया हुआ है। रेटेड प्राइमरी करंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 1200 600 300। इसका मतलब है कि इस सिटी को आप ये 3 रेशियो में से किसी एक रेशियो में यूज़ कर सकते हैं, 1200 एम्पियर, 600 एम्पियर और 300 एम्पियर। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के आगे मैं बता रहा हूँ। रेटेड थर्मल करंट 120%, ये ओवरलोड फैक्टर है। इसका मतलब है कि अब रेटेड प्राइमरी करंट से 120% अबोव इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम करंट 40 kA फॉर 3 सेकंड, मिनिमम क्रिपेज 6125, ऑयल क्वांटिटी और ये उसका वेट हो गया। यहाँ पर दो कॉशन दिए हुए, सेकेंडरी टर्मिनल मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड बिफोर बर्डन इज डिसकनेक्टेड। बर्डन का मतलब होता है मीटर या रिले, मतलब सिटी के अक्रॉस में जो लोड कनेक्ट होगा, या वो मीटर होगा या वो रिले होगी, और वो कंटिन्यूसली उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप उसको डिसकनेक्ट कर रहे हो तो वो सिटी के लिए बहुत बुरा होता है और वो ब्लास्ट भी हो सकती है सिटी। PF टेस्टिंग टर्मिनल मस्ट बी अर्थ ड्यूरिंग ऑपरेशन। PF टेस्टिंग मतलब पावर पावर फैक्टर टेस्टिंग, मतलब वो जो 10 डेल्टा टेस्टिंग रहता है ना, उसमें उसका टर्मिनल रहता है। PF टेस्टिंग का टर्मिनल रहता है वो नॉर्मल ड्यूरिंग ऑपरेशन में उसको अर्थ करना रहता है, लेकिन जब टेस्टिंग करता है 10 डेल्टा टेस्टिंग तो उसमें वो अर्थिंग को निकाल देना होता है और वहाँ पर उसका एक टर्मिनल लगाना होता है। उसके बाद ये पूरा टेबल है। कोर मतलब इसमें 5 कोर है, ये 220 kV की सिटी में 5 कोर है। अभी अलग अलग कोर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ये 3 रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं, 1200 600 और 300/1। प्राइमरी तो कॉमन ही रहेगा, P1 P2। सेकेंडरी जो है 1S1 1S2, 1S1 1S2, 1S1 1S2। ये जो है X S4, इसमें ऐसा है कि X और S4 में जब हम लिंक करेंगे, मतलब एक शॉर्ट लिंक मारेंगे, तो 1S1 और 1S2 में 1200/1 का रेशियो निकलेगा। वैसे ही X और S3 में जब हम लिंक कनेक्ट करेंगे तो 1S1 1S2 में 600/1 का रेशियो कनेक्ट होगा। वैसे ही X और S2 में जब हम लिंक कनेक्ट करेंगे तो वो सीटी हो जाएगी 300/1 की। रेटेड VA 30 VA, मैंने आपको बताया कि VA मतलब बर्डन, मतलब ये फर्स्ट कोर में आप 30 VA जितना बर्डन कनेक्ट कर सकते हो।
और ये एक्यूरेसी क्लास, यहाँ से सी टी पता चल सी टी का कोर पता चलता है कि वो सी टी किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर 0.5 का मतलब है 0.5% की एरर, ये मीटरिंग की सी टी है इसलिए 0.5 दिया हुआ है। एफ एस मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 5। मीटरिंग की सिटी में वी के मतलब नी पॉइंट का वोल्टेज, उसका मैग्नेटाइजिंग करंट वो सब नहीं रहता है, खाली इतने पैरामीटर ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा कोर, दूसरा कोर में भी सेम टू सेम रेशियो हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक्यूरेसी क्लास देखकर आप बता सकते हैं कि 5P20 का एक्यूरेसी क्लास है, उसका मतलब कुछ ऐसा होता है। फाइव पी ट्वेंटी का मतलब होता है जब प्राइमरी में उसके रेटेड करंट से 20 टाइम्स करंट जाएगा, 20 टाइम्स करंट जाएगा तो उसके सेकेंडरी में 5% की एरर आएगी, उसका मतलब ये होता है। दूसरा क्लास भी आता है 5P10 का, उसमें भी सेम है कि जब रेटेड प्राइमरी करंट से 10 टाइम्स करंट जाएगा तो उसकी सेकेंडरी में 5% एरर आएगी, मतलब 5% एरर अलाउेबल है। 5P10 और 5P20 को हम यूज़ कर सकते हैं ओवर करंट अर्थ फोल्ड में। ओवर करंट अर्थ फोल्ड जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम ये 5P10 और 5P20 क्लास वाली सिटी को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा कोर जो कि है PS क्लास का। अभी PS का मतलब है स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन में आपके आते हैं डिफरेंशियल रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फोल्ड। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि तीसरे कोर को हमें डिफरेंशियल में यूज़ करना है। उसमें भी सेम ही है, उसमें 3 पैरामीटर और बढ़ते हैं जैसे कि ये वीके मतलब हो गया आपका नी पॉइंट वोल्टेज, आई एक्साइटेशन मैक्सिमम एट वीके, ये आई एक्साइटेशन मतलब उसका एक्साइटेशन करंट, और RCT मतलब उसका सीटी का वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3S1 3S4 में मैक्सिमम उसका जो सीटी का वाइंडिंग है वो पिक्चर में आता है 1200x1 का, तो उसमें सबसे ज़्यादा वीके हमको मिलता है 1400। 3S1 3S3 में 600x1 उस मतलब उसका जो वाइंडिंग है सेकेंडरी का वाइंडिंग वो कम पिक्चर में आता है, तो उसका वीके भी वैसे कम हो गया, और वैसे ही 300x1। वैसे भी आई एक्साइटेशन में भी चेंज होता है, वीके जैसे बढ़ता है वैसे उसका आई एक्साइटेशन कम रहता है, और RCT है वो तो आपको पता ही है कि जैसे हम वाइंडिंग को बढ़ाएंगे तो उसके टर्न्स बढ़ेंगे, और टर्न्स बढ़ेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यहाँ पर 1200x1 में पूरा सीटी सेकेंडरी पिक्चर में आएगा तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और कम अगर सीटी सेकेंडरी पिक्चर में आता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ कोर है, वैसे सेम ही है सब, और फिर फिफ्थ कोर है वो भी सेम ही, उसका स्पेसिफिकेशन है वो तीनों का सेम ही है। फ्यूचर सूटेबल फॉर हॉटलाइन वॉशिंग, हॉटलाइन वॉशिंग का मतलब ये है कि आपकी जो सीटी है वो चार्ज है और 220 kV उसमें अप्लाइड है, और आप उसको वॉश कर सकते हो वो DM वाटर से। उसका भी वो कुछ अलग आता है कि वो DM वाटर से आप उसको वॉश करने पर किसी और मतलब कुछ और कुछ नहीं होगा। 10 डेल्टा और कैपेसिटेंस, जब ये सिटी मैन्युफैक्चर होती है तो फैक्ट्री में भी टेस्ट होती है, और फैक्ट्री में वो लोग टेस्ट कर 10 डेल्टा और कैपेसिटेंस टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेटेड दिया हुआ है 10 डेल्टा 0.131 और कैपेसिटेंस 611.77 pF है एट 10 kV। तो यहाँ पर आप हम समझते हैं कि रेशियो कैसे चेंज होता है। मान लीजिए कि एक पूरा वाइंडिंग है, उसमें से ये 2S1 हो गया, ये 2S4 हो गया, ये 2S2 यहाँ पर आ जाएगा, 2S3 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2S1 2S4 में पूरा वाइंडिंग 1200x, मतलब यहाँ पर अगर आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1200x1 की सिटी मिलेगी,
मतलब जब प्राइमरी में P1 P2 में 1200 एम्पियर जाएगा, तो सेकेंडरी में मतलब 2S1 2S4 में 1 एम्पियर जितना आपको मिलेगा। वैसे ही दूसरे रेशियो को अगर आपको कनेक्ट करना है, जैसे कि आपको कनेक्ट करना है 600/1 टू, तो उसमें आपको कनेक्ट करना है 2S1 और 2S3, मतलब ये यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका रेशियो हो जाएगा 2S1/2S3 में 600/1 का रेशियो आपको मिलेगा। वैसे ही 2S1/2S2 में कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 300/1। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कम वाइंडिंग पिक्चर में आता है तो उसका रेशियो भी कम हो रहा है, और कम मतलब इतने का रेजिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू पूरे वाइंडिंग का, इसलिए आप देख रहे हैं कि 1200/1 में उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, पूरे का 12 ओम है, फिर कम होता है 12 ओम, फिर 6, इसका इतने का 6 है और इतने का 3 है, मतलब 3 3, और फिर मतलब वो रहता है पूरा डिज़ाइन के हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये जो है वो वही है, मतलब उसका सेकेंडरी का टर्मिनल बॉक्स है, हमको ऐसे टर्मिनेशन करना है उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीटरिंग कोर में थोड़ा अलग है, इसमें 1S1 1S2 1200 बाइक, ये जो है ना XS4, उसमें आपको लिंक कनेक्ट करनी है। तो ये जो है ना, ये X है और ये S4 है, मतलब अगर इसमें आप ऐसे लूप मारेंगे ना XS4 में, तो ये 1S1 1S2 है, ये 1S1 ये 1S2, XS4 में जब आप कनेक्ट करेंगे तो 1S1 1S2 आपका हो जाएगा 1200/1, मतलब XS4 में कनेक्ट करेंगे तो सीटी हो जाएगी आपकी 1200/1 की। वैसे ही X और S3 में कनेक्ट करेंगे, X इसको निकाल के X और S3 में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका रेशियो हो जाएगा 600/1 का। X और S2 में कनेक्ट करेंगे तो आपका रेशियो हो जाएगा 1S1 1S2 में 300/1 का। वैसे ही 2S1 2S2 2S3 2S4, ये जो है वो खाली रखा है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें 1200/1 का रेशियो यूज़ नहीं किया हुआ है, और ये जो फिफ्थ कोर है उसको पूरा शॉर्ट किया हुआ है। जैसे कि अपने क्वेश्चन में पढ़ा, सेकेंडरी टर्मिनल मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड बिफोर बर्डन इज डिसकनेक्ट, तो यहाँ पर सब कोर यूज़ हो रहा है, फर्स्ट कोर यूज़ हो रहा है मीटरिंग में, सेकेंड कोर यूज़ हो रहा है वर्क अंडर अर्थ फोल्ड में, ये दूसरा कोर है, तीसरा कोर होगा अपना डिफरेंशियल में, ये ट्रांसफॉर्मर की सीटी है इसलिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आएगा, और फोर्थ कोर यूज़ हो रहा है बस बार में, बस बार डिफरेंशियल में, जो फिफ्थ कोर है वो अपना स्पेयर है। तो स्पेयर जो कोर जो रहता है ना, उसमें हम ऐसे खुले नहीं रख सकते, उसको ऐसे शॉर्ट करना पड़ता है, अगर इसको हम ओपन रखते हैं तो फिर वो सीटी के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है, उसमें सीटी ब्लास्ट भी हो सकती है अगर लोड अगर आपका ज़्यादा है तो। तो बस ये जो है वो डेड टैंक सीटी है, ये डेड टैंक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपकी सीटी है, इसका प्राइमरी टर्मिनल हो गया, ये ऐसी सीटी रहती है, तो ये जो प्राइमरी कंडक्टर है वो ऐसे अंदर आता है और अंदर जाके ऐसे वापस जाता है, और यहाँ पर कोर होती है अलग अलग, तो ये डेड टैंक हो गई, उसको बोलते हैं डेड टैंक। डेड टैंक में जो कोर रहती है सिटी की, वो अर्थ पोटेंशियल पे होती है, अर्थ पोटेंशियल मतलब जीरो पोटेंशियल, सेम टू सेम लाइव टैंक सिटी। लाइव टैंक सिटी में उल्टा होता है, लाइव टैंक सिटी में क्या रहता है कि ये जो होता है, और ये नीचे का तो सेम ही रहता है, पर ये जो कोर रहता है ना वैसे ही, मतलब एक पावर कंडक्टर आया और सीधा बाहर, यहाँ पर 220 kV रहता है, 220 चार्ज कंडीशन। तो इसमें जो कोर रहता है ना उसका, वो लाइव पोटेंशियल पे है, लाइव पोटेंशियल पे उसका कोर है, उसको इसलिए लाइव टैंक सिटी है, और अर्थ पोटेंशियल पे उसका कोर है इसलिए वो डेड टैंक सिटी है। उसके अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है कि उसमें कोर, उसमें पूरा ये जो मतलब ये जो पावर कंडक्टर है वो पूरा घूमता है यहाँ नीचे तक, तो उसमें इसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसमें लेंथ कम कम रहती है,
वैसे ही अलग अलग उसके एडवांटेज है। मतलब ज़्यादातर डेड टैंक सिटी स्विच यार्ड में यूज़ करते हैं, लाइव टैंक बहुत ही रेयर कंडीशन में मतलब यूज़ करते हैं। पहले लाइव टैंक होती थी, अभी तो सब जगह डेड टैंक ही आ गई है। अभी तो उसमें उसकी समरी में यही है कि अगर आपको सिटी को ऐसे जानना है तो मीटरिंग में 0.5 क्लास की सिटी यूज होती है, ओवर करंट अर्थ फोल्ड में 5P20, 5P10, और डिफरेंशियल REF में PS क्लास की सिटी यूज होती है। 0.5 क्लास का मतलब है 0.5% उसमें एरर है ऑन रेटेड प्राइमरी करंट, रेटेड करंट। और मीटरिंग में एक और भी आती है जिसको हम बोलते हैं टैरिफ वाली सिटी, BT, ABT मीटरिंग के लिए यूज़ होती है। उसमें तो ये जो क्लास है वो होता है 0.2S, 0.2S क्लास होता है। उसमें जो एरर रहती है वो 0.2% से भी कम रहती है, 0.2% से भी कम रहती है, मतलब बहुत ही लेस एरर रहती है वो। तो ये प्राइमरी है P1 और ये P2, P1 P2 हो गया। ये जो है उसको बोलते हैं बेलो, मतलब वो अंदर रहता है। ये जो है ये ग्लास, उससे हम देख सकते हैं कि वो बेलो कितना। बेलो क्या होता है, वो जैसे जैसे अंदर करंट फ्लो होता है, सिटी के अंदर करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है और गैस गैस जनरेट होती है। अगर वो गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये बेलो है ना वो ऐसे ऊपर आ जाएगा। ऐसे एक बार अगर बेलो ऊपर आ गया तो उस सिटी को आप दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते, उस सिटी को आपको रिप्लेस करना पड़ता है या फिर रिपेयर करना पड़ता है। तो बेलो उसके उसके इंडिकेशन है कि अब सिटी फेल हो गई है। ये जो पीक है वो टेस्टिंग के दौरान मतलब था, ये दो टर्मिनल और वो बाकी सारे सेकेंडरी टर्मिनल में किट को कनेक्ट करना होता है। तो आई होप कि आपको जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आ गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।